हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल चौहान और आप देख रहे हैं राहुल फिनिटी। और आप सभी का GT3 के कोर हिंदी एपिसोड में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूं रैम्पेजेस। तो मैंने अब तक एक रैम्पेज किया है और वो था माफियाओं को मारने का, वो भी काफ़ी दिनों पहले किया था। तो आज मैं दूसरा रैम्पेज करूँगा और ये होगा डेवलोज को मारने वाला। तो रैम्पेजेस को मैं आसान भाषा में बताऊँ तो रैम्पेज को आप एक छोटा मिशन मान सकते हो। हमें 2 मिनट मिलती है और इन 2 मिनट के अंदर हमें दिया गया टास्क करना पड़ता है, जैसे कि 20 आदमियों को पेल दो, 30 को पेल दो, ऐसा कुछ। तो मैं आ चुका हूँ रैम्पेज की लोकेशन पे और अभी करते हैं रैम्पेज को स्टार्ट। तो मुझे टास्क मिला है कि मुझे 30 डायबलोज को 2 मिनट के अंदर निपटाना है। तो चलो काम पर लगते हैं। पहले रैम्पेज को कम्प्लीट करने पर मुझे मिले थे $5,000 और अगर आज मैं दूसरे रैम्पेज को कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे मिलेंगे $10,000 और फिर तीसरे रैम्पेज को कंप्लीट करने पे मुझे मिलेंगे $15,000 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। GT3 में टोटल 20 रैम्पेजेस हैं और इस आइलैंड पे जिस पे मैं अभी हूँ ये है पोर्टलैंड आइलैंड और इस आइलैंड पे है टोटल 6 रैम्पेजेस। तो मैंने पहला रैम्पेज माफिया वाला काफ़ी दिनों पहले कर लिया था और मैं दूसरा रैम्पेज कर रहा हूँ। तो मेरी शुरुआत तो भी बढ़िया हुई है, मैंने अब तक 12 डायबलोज को निपटा दिया है। तो दोस्तों, जब तक मैं डायबलोज को निपटा रहा हूँ आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और अगर कुछ कहना, बोलना, सुनाना, पूछना, बताना हो तो कमेंट करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी सिर्फ 8 डायबलोज बचे हैं और हम इनको भी निपटा देंगे। तो झुंड में मेरे पीछे भाग रहे हैं और मैं इनके पूरे झुंड को देख लूँगा। तो वाओ, तो एक रह गया है वो। तो यहाँ से थोड़ा दूर हटना होगा इससे पहले कि मुझे घेर के पीटे। मिल गया शिकार और अब मैंने डेवलोज का रैम्पेज कंप्लीट कर लिया है और मुझे मिले हैं $10,000 जैसे कि मैंने कहा था। तो अभी जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ इससे पहले मेरे पीछे भागने लगे। तो वैसे बहुत हार्ड रैम्पेज था, हो सकता है आपको थोड़ा आसान लग रहा हो, पर वो मेरी स्किल्स की वजह से। जब आप इसको खेलोगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी हार्ड था। तो अभी मैं जा रहा हूँ दूसरा रैम्पेज करने के लिए और इस रैम्पेज में हमको ट्रैड्स को मारना पड़ता है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक करने की कोशिश की थी तो इन सब ट्रैड्स ने मुझे कुत्तों की तरह घेर के मारा। तो अभी मेरे दिमाग में एक मस्त सा आइडिया आ चुका है और वो है कि मैं गाड़ी में बैठा बैठा ट्रैड्स पर हमला करूँगा। तो मुझे 25 ट्रैड्स को मारना होगा, वो भी 2 मिनट में, और मैं गाड़ी में बैठा बैठा ट्रैड्स पर हमला करूँगा तो वो मुझे हर्ट भी नहीं कर पाएंगे और मैं आसानी से कर लूँगा। मेरी गाड़ी की भी हेल्थ फुल है, ठीक ठाक लग रही है इसकी हेल्थ। तो इस गाड़ी की मदद से मैं सभी ट्रैड्स को हरा दूँगा। तो मैं पहुँच चुका हूँ और अभी मैं साइड से गोलियाँ चलाऊँगा। तो पहले एंगल बना लेता हूँ, यहाँ ठीक है। तो आओ ट्रैड्स, तो आ गई है और मैंने इनको मारना स्टार्ट कर दिया है। सब पर गोलियाँ चल रही है धुआंधार और ये भी गया और ये सब कुत्तों की तरह मर रही है जैसा इन्होंने मुझे मारा था घेर के, और मैंने वैसे इनका हल कर दिया है। अब तक मैंने 11 ट्रैड्स को निपटा दिया है और ये भी गया। तो अब तक मैंने 12 ट्रैड्स निपटा दिया है, तो ये 13वां था। तो 13 ट्रैड्स बहुत हैं। तो अभी मुझे एंगल बदलना होगा, तो कहाँ जाऊँ मैं, तो आगे जाना चाहिए, तो कई ट्रैड्स होंगे। वैसे पूरा ट्रैड्स का ही इलाका है तो यहाँ पर झुंड में ट्रैड्स मिलते हैं जिससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है, पर वो काफ़ी दूर है, मेरी गोलियाँ भी वहाँ तक नहीं पहुँच रही। तो ये रहे, तो ये इधर आ गए। तो ये काफ़ी भले ट्रैड्स हैं, इनको पता था कि मैं इतनी दूर नहीं आ सकता इनको मारने के लिए, तो मेरे पास ही आ गए। तो मेरी कार को उन्होंने घेर रखा है पर मैं इनके हाथ नहीं आऊँगा। चलो चलो चलो, जल्दी आओ, बारी बारी से आओ। तो ये भी गया और ये भी गया पीछे वाला। तो अभी 3 ट्रैड्स को मुझे और मारना है, वो कहाँ गए, और एक ही रहा, भाग रहा है पर वो बच गया, ये नहीं बचेगा। और ये गया और ये वाला भी। तो बस एक ट्रैड्स को मारना है और ये रहा वो। तो पूरी ट्रैड्स गैंग मैंने निपटा दिया है और मुझे मिले हैं $15,000 इस रैम्पेज को कंप्लीट करने के लिए। अब मेरे पास हो चुके हैं 8,50,000 से ऊपर और अब ये रैम्पेज भी काफ़ी बढ़िया है। तो इस रैम्पेज में हमको गाड़ियाँ उड़ानी होती है और हमें मिलता है रॉकेट लॉन्चर। तो अभी रॉकेट लॉन्चर की मदद से मैं गाड़ियाँ उड़ाऊँगा। तो अभी मैं 2-3 गाड़ियाँ जमा कर रहा हूँ ताकि रैम्पेज स्टार्ट होने के बाद मुझे गाड़ियों की कमी ना हो, क्योंकि मैं खुलेआम यहाँ लिबर्टी सिटी में गाड़ियों को नहीं उड़ा सकता। यहाँ के नागरिक काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार हैं और जब ये मुझे गाड़ियाँ उड़ाते देखेंगे तो ये मेरे पीछे भाग लेंगे, बहुत से मुझे पंच मारते हैं और बहुत से लात मारेंगे। तो सबसे बढ़िया यही है कि मैं पहले ही कुछ गाड़ियाँ जमा कर लूँ और इन्हें उड़ा दूँ।
तो अभी एक और गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी की कमी पड़ गई है और ही किसकी लूँ, तो टैक्सी बढ़िया लग रही है। फिर टैक्सी वाला आगे भाग गया तो पीछे से मेरे लिए एक कार आ चुकी है जो कि काफ़ी बढ़िया है, तो अब इसी को लगा दूंगा और ये तीनों बढ़िया रहेंगे। इन तीन गाड़ियों को उड़ाने के बाद मैं आगे चलूँगा उस फट्टे की तरफ अगर आपको दिख रहा होगा, और वहाँ से मैं बाकी की गाड़ियाँ उड़ाऊँगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है मैं खुलेआम यहाँ गाड़ियाँ नहीं उड़ा सकता, वरना यहाँ की जनता बहुत बुरी तरह पीटती है और मैं रैंपेज फेल हो जाऊँगा और हॉस्पिटल में पहुँच जाऊँगा। तो मुझे 13 व्हीकल्स उड़ाने हैं 2 मिनट के अंदर और मैंने 3 पहले ही जमा कर लिए हैं, तो अब ये काफ़ी आसान होगा पहले के मुकाबले। और भी तीनों गए और मैंने 3 उड़ा दिए हैं और किसी पब्लिक को पता भी नहीं चला, वरना अब तक मेरे पीछे भाग रहे होते। तो मैं इस फट्टे के ऊपर चढ़ जाऊँगा और फिर मुझे दिखेगा कि उस तरफ कितनी गाड़ियाँ हैं, और जो भी मुझे दिखेगी मैं सबको उड़ा दूँगा। तो ये टैक्सी आ रही है, पहले तो ट्रक आ गया तो ट्रक ने टैक्सी बचा ली, पर टैक्सी भी उड़ गई, अभी भी नहीं उड़ी तो अब उड़ गई। तो मैंने 2 गाड़ियाँ उड़ा दिया, बाकी की कहाँ है। तो आप देख सकते हैं जनता मेरी तरफ आ रही है मुझे मारने के लिए, पर मैं दीवार के ऊपर हूँ तो वो मुझे मार नहीं सकते। तो मैंने एक ट्रक और उड़ा दिया है और अब बाकी के कहाँ गए। तो एक वैन दिख चुकी है मुझे और ये नहीं उड़ रही, तो ये काफ़ी दूर है और अब उड़ेगी, अभी भी नहीं उड़ रही। तो पहले एम्बुलेंस को उड़ा देता हूँ तो ये बच गई, तो एम्बुलेंस उड़ गई। अब इस वैन की बारी है और फाइनली मैंने वैन भी उड़ा दिया है, एक और ट्रक आ चुका है और अब ये भी उड़ गया, नहीं ये बच गया, अब उड़ गया। तो अब बस मुझे 4 गाड़ियों को तबाह करना है और ये मेरा रैम्पेज कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक तो दूर दूर तक एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही, तो फाइनली गाड़ी आ चुकी है और अब ये भी तबाह हो गई, अब हो गई। अब मुझे 3 गाड़ियों को तबाह करना है, वो भी 35 सेकंड में, और ये भी गई। तो अब मुझे 2 गाड़ियों को तबाह करना है लगभग 30 सेकंड में, एक भी नहीं आ रही, तो एक अपने आप तबाह हो गई। तो मुझे 26 सेकंड के अंदर 1 गाड़ी को तबाह करना है, नहीं मैंने एम्बुलेंस को तबाह किया था और उसके तबाह होने के बाद उसमें आग लग गई दूसरी में और वो तबाह हो गई। तो मैं नीचे कूद जाता हूँ गाड़ी के लिए और ये रही गाड़ी, और अब ये भी गई, उड़ा दी मैंने इसको। तो मैंने मिशन को पास कर लिया है, रैम्पेज कंप्लीट हो चुका है मेरा और मुझे मिले हैं $20,000। तो मैं हादसे में घायल हो चुका था पर मैं हॉस्पिटल में पहुँच चुका हूँ बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।